हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाना चाह रहा हूँ जो शायद ही आपने कभी सुनी हो। ये स्टोरी है एक ऐसी लड़की की जो कि जॉब करके अपने माँ बाप का सहारा बनी हुई है। उसके घर में उसके माँ बाप और वो रहती है। वो जॉब करके अपने माँ बाप का पेट भरती है, अपने माँ बाप का सहारा बनी हुई है और वो उस जॉब से काफ़ी खुश है। काफ़ी खुश रहती है अपनी फैमिली के साथ, खुद में खुश रहती है, अपनी फैमिली को खुश रखती है। बट कहते हैं ना, प्यार मोहब्बत इनसे कोई कहाँ ही बचा है। एक दिन उसकी लाइफ में एक लड़का आता है जो कि उसी के ऑफिस में काम करता है। वो लड़का काफ़ी अच्छा होता है, नेचर वाइज, लुकिंग वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती होती है। दोस्ती को धीरे धीरे वो लड़का प्यार में बदलने की कोशिश करता है, पर वो लड़की मना कर देती है। वो लड़का उससे कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरे साथ रिलेशन में आ जाओ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करूँगा, तुम्हें खुश रहूँगा। बट लड़की कहती है, मेरे लिए मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी सबसे पहले है। मैं शादी नहीं करना चाहती अभी, और मैं रिलेशन में आके प्यार उनका बांटना नहीं चाहती। मैं अगर तुम्हारे साथ रिलेशन में आ गई तो उनका प्यार कहीं ना कहीं बट जाएगा और मैं उनको वो टाइम नहीं दे पाऊँगी, मैं अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे हट जाऊँगी, इसलिए मैं रिलेशन में भी नहीं आना चाहती, ना ही अभी मुझे शादी करनी है। लड़का उस लड़की से कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे जुड़ी हर जिम्मेदारी को मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। तुम शादी जब करना चाहो तब तुम करो, और शादी के बाद भी तुम अपनी फैमिली के साथ रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपनी फैमिली को पूछो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी भी तुम्हें मेरे साथ रिलेशन में आके ये नहीं लगेगा कि तुम अपनी फैमिली से दूर हो गई हो या तुम अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा सकती। तुम अपनी ज़िम्मेदारी निभाओ, बस मैं इन ज़िम्मेदारी निभाने में तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। तुम्हारी जो भी ज़िम्मेदारी है मैं अपने कंधों पर उठाना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद लड़की कहीं ना कहीं पिघल गई और लड़की ने सोचा, शायद ये लड़का बहुत अच्छा है और कभी ना कभी तो मुझे रिलेशन में आना है, शादी करनी है, तो फिर मुझे ये लड़का सही लग रहा है जो कि मेरे माँ बाप को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। लड़की उसके साथ रिलेशन में आ जाती है। काफ़ी टाइम रिलेशन बहुत अच्छा चलता है। वो लड़का इतना ज़्यादा केयर करता है उस लड़की के माँ बाप की, बहुत ज़्यादा लड़की की केयर करता है। खाना टाइम पर खाया नहीं खाया, हर छोटी से बड़ी प्रॉब्लम में उस लड़की का साथ देता है। लड़की को लगता है यही उसका जीवन साथी है, यही उसका सब कुछ है। पर कहते हैं ना यार, कभी कभी हमें जो सामने से दिखता है वैसा होता नहीं। एक दिन लड़के का बर्थडे होता है और लड़की को अपने रूम पे बुलाता है। लड़की रूम पे आ जाती है बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करती थी उस लड़के पे, काफ़ी ज़्यादा। रूम में आने के बाद वहाँ पे देखती है, रूम में कोई भी नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, पर एक छोटा सा केक है और वहाँ पे वो लड़का है। लड़की कहती है, बाकी लोग कहाँ हैं, तुमने तो कि बहुत सारी पार्टी होगी इधर, बहुत सारे दोस्त आए हैं, ये वो। लड़के ने कि नहीं, ये मेरा स्पेशल डे है, मैं चाहता हूँ सिर्फ तुम और मैं हूँ इधर। लड़की को थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होता है, बट उनके रिलेशन को इतना टाइम हो चुका होता है तो लड़की को लगता है, नहीं यार, मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझसे प्यार करता है, चलो कोई बात नहीं, वो थोड़ा टाइम मेरे साथ स्पेंड करना चाहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे वो दोनों पार्टी इंजॉय करते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं और लड़की सुबह रूम से जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना, लड़की सुबह रूम से जाती है बिकॉज लड़के ने उसकी कोल्ड ड्रिंक में एक नशे की मेडिसिन मिलाई हुई थी, जिससे वो लड़की रात भर वहीं थी। लड़के ने उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया, उसकी वीडियो बनाई और लड़की को ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। दूसरे दिन लड़के ने उस लड़की को वो वीडियो दिखाई और ब्लैकमेल करना चालू कर दिया कि तू वही करेगी अब जैसा मैं बोलूँगा। लड़की को एक मिनट के लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, मतलब जो सामने वाला बंदा इतना प्यार करता है उससे, वो ये सब क्या कह रहा है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि एकदम से क्या हुआ, अचानक से ये सब कैसे बदल गया। लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आता है। लड़का उससे कहता है, अब जैसा मैं कहूँगा वैसा तुझे करना पड़ेगा, वरना ये वीडियो तेरी वायरल कर दूँगा। लड़की काफ़ी डर जाती है और लड़की उस टाइम तो वहाँ से चली जाती है रोते हुए, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। लड़का उसको कॉल करके दोबारा बुलाता है एक जगह और बोलता है, जैसा मैं कहूँगा तू वैसा करेगी या नहीं, या ये वीडियो मैं वायरल कर दूँ। लड़की बुरी तरह मजबूर हो जाती है। लड़की कहती है, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, ये सब क्या है। लड़का बोलता है, प्यार व्यार सब मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है, अब जो मैं कहूँगा वो तुझे करना पड़ेगा। लड़की उससे पूछती है, आखिर तू चाहते क्या हो। तब लड़का जो बात कहता है ना, वो सुन के शायद ही कोई लड़की में हिम्मत रहे कि वो किसी से बात कर पाए। लड़का उससे कहता है कि तुझे मेरे दोस्तों के साथ फिजिकल होना पड़ेगा। लड़की ये सुन के बुरी तरह रोने लगती है, टूट जाती है, गुस्सा भी आता है उसको, और वो लड़के को सुना के वहाँ से चली जाती है। लड़का उसको एक मैसेज करता है, सिर्फ 2 घंटे हैं, 2 घंटे में अगर तूने हाँ नहीं बोली, ये वीडियो मैं तेरी वायरल कर दूंगा और तेरे माँ बाप कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। जिन माँ बाप के लिए तू इतना कर रही है वो शायद खुदकुशी कर लें देखने के बाद। लड़की के पास सिर्फ 2 रास्ते थे, एक
दलदल, जहाँ पे कोई भी लड़की जाना नहीं चाहती। दूसरे उसके माँ बाप की इज्जत, उसके माँ बाप का प्यार, उसका पूरा करियर सब दांव पे लगा था। एंड में लड़की आखिर हार गई अपने माँ बाप की इज्जत के सामने, और उसने दूसरा रास्ता चुना जहाँ पे था दलदल। उसने उस लड़के की बात मानी और उसके दोस्तों के साथ फिजिकल होने के लिए तैयार हो गई। लड़की ने उससे पूछा कि ये सब करके तुम्हें क्या मिल जाएगा। अब लड़के ने जो कहा ना, वो सुन के उस लड़की के पैरों तले जमीन निकल गई। लड़के ने कहा कि याद है तो ये 2 साल पहले तूने एक लड़के को चांटा मारा था, वो मेरा दोस्त था, उसी का बदला लेने के लिए मैंने ये सब किया है। उस लड़के के दोस्त को चांटा क्यों पड़ा था वो भी ज़रा सुन लीजिए। बिकॉज वो उस लड़की के साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था, और लड़की ने सेल्फ डिफेंस में उसके ऊपर हाथ उठाया, उसको चांटा मारा। लड़की की सबसे बड़ी गलती थी जो लड़की ने खुद की इज्जत बचाने के लिए उस पर हाथ उठाया। नहीं उठाना चाहिए था ना, चुपचाप वो उसकी इज्जत पे हाथ डाल रहा था तो डालने देना चाहिए था ना। लड़की ने जब ये सब सुना तो बुरी तरह से टूट गई, उस लड़के के सामने गिर गिराई, हाथ जोड़े रोई, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं ये सब नहीं करना चाहती, मुझसे गलती हो गई, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। पर लड़की ने नहीं मानी, और लड़के ने कहा तू मेरे दोस्तों के पास जा रही है या फिर वीडियो तेरी मैं वायरल करूँ। लड़की बुरी तरह से टूट चुकी थी, उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। लड़की आखिर मान गई उसकी बात के लिए, और लड़के ने कहा कल रात को मेरे दोस्तों के फार्म हाउस पर पहुँचे आई। लड़की ने कहा ठीक है, बट आपको क्या लगता है लड़कियाँ इतनी नाजुक होती हैं कि वो टूट जाएंगी, जब लड़कियों में बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है लड़ने के लिए। आई नो कि वहाँ पे ऐसी सिचुएशन में कोई भी लड़की लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाती, कोई भी लड़की बुरी तरह से टूट जाती, किसी भी लड़की में इतनी हिम्मत नहीं रहती कि वो लड़ सके, बट वो लड़की ऐसी नहीं थी। उसने उस टाइम लड़के को हाँ तो बोला, बट उसने हिम्मत करके अपनी फैमिली को सब कुछ बताया, अपने दोस्तों को सब कुछ बताया, पुलिस में जाके सब कुछ बताया। उसके बाद वो लड़का अरेस्ट हुआ, और वो लड़के के बाद जो भी वीडियोस थी वो डिलीट हुई, और वो लड़की बच गई। शायद ही किसी लड़की में इतनी हिम्मत होती है वो ये सब सहन करने के बाद भी लड़ने की हिम्मत रखे, पर दोस्तों उस लड़की में हिम्मत थी। उस लड़की को दिख रहा था कि आज अगर मैंने इसकी बात मान ली तो कल वही होना है, ये मुझे कुछ और कहने को कहेगा, ये मुझे कुछ और करने को कहता रहेगा और मैं फंस जाऊँगी। या तो आज मुझे कदम उठाना पड़ेगा या फिर 1 साल बाद, तो इससे बढ़िया है मैं आज ही क्यों ना कदम उठाऊँ, मुझे ये सारी प्रॉब्लम फेस तो करनी पड़ेंगी, या तो आज या तो बाद में, तो इससे अच्छा मैं ये सारी प्रॉब्लम आज क्यों ना फेस करूँ। लड़की ने हिम्मत दिखाई और लड़के को जेल में भिजवा दिया। दोस्तों ऐसा नहीं है कि प्यार गलत होता है, नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि प्यार में हमेशा आपको बेवफाई मिलती है या धोखा मिलता है, ऐसा कुछ होता है। बस मैं इतना कह रहा हूँ किसी के ऊपर भी इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। और जो लड़के सोचते हैं ना कि हम लड़कियों से बदला लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उनसे एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, क्या तुम्हारी भी बहन होगी? सोचो अगर तुम्हारी बहन के साथ या तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ, तुम्हारी बीवी के साथ कोई ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? यार किसी की भी बहन हो, बेटी हो, बीवी हो या गर्लफ्रेंड हो, किसी के साथ भी ऐसा होगा ना तो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। अगर हमारी फैमिली में किसी लड़की के साथ ऐसा हो तो हमें सुन के ही रोना आ जाता है, तो यार हम कैसे किसी और लड़की से ऐसा कर सकते हैं। स्टोरी सुनाने का एक ही मकसद था, प्यार को कभी भी हेट मत करना, प्यार खुद में एक बहुत खूबसूरत एहसास है, पर कभी भी किसी से बदला लेने के लिए इस प्यार का यूज़ मत करना, कभी भी किसी लड़की को इतनी बुरी तरह मजबूर मत करना कि उसको नफरत होने लगे कि मैं एक लड़की हूँ, कभी भी प्लीज़।